So प्लांट एनाटॉमी क्या चीज प्लांट एनाटॉमी इज इट इज डिफाइंड एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ tissues and organs of अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स दैट इज नोन एज प्लांट अगर हम स्ट्रक्चरल हायरार्की हायरार्की होता है बेटा आज हम हैं फिर हमारे पेरेंट्स फिर लेट अस से फादर फिर मेरे ग्रैंडफादर फिर उनके आगे फादर ऐसे जो एक हायरार्की चलती है तो सबसे छोटा यूनिट उसमें क्या है मैं हूँ फिर आगे जो है आगे की हायरार्की की हम बात करें तो इसी तरह प्लांट में स्ट्रक्चरल हायरार्की क्या है द स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल सेल कंबाइंस टू फॉर्म टिश्यूज Tissues combine to form tissue systems. Tissue systems combine to form organ and various organs together form the organism or the हम यहाँ पे बात कर रहे हैं plant body. अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल की बात कर रहे हैं सो बेसिक प्लांट सेल अगर बेसिक स्ट्रक्चर बात करें सबसे बाहर सेल वॉल सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज वैक्यूल अंदर जो है ये है वैक्यूल दिस इज न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स एंड दिस इज न्यूक्लियोलस देन प्लांट सेल हैज important structure that is plastids these are plastids such as chloroplast hai na plastid chloroplast bhi ho sakta hai chromo bhi ho sakta hai amyloplast bhi ho sakta hai ye aapko pata hai then there are present respiratory structures called as mitochondria this is mitochondria this is endoplasmic reticulum this is Golgi bodies, then there are ribosomes. ऐसा नहीं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लोरोप्लास्ट होता है नहीं बहुत सारे होते हैं ये तो हमारे पास जगह थोड़ी है
इसलिए हम बनाते हैं, दिस आर राइबोसोम्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर, देयर आर मेनी अदर बट ये बेसिक। आपने पूरा लिखना है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सैप वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, गॉल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रेस्पिरेशन, ये आपने इकट्ठा लिखना है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, दिस इज टिपिकल प्लांट्स। उसके बाद आ जाते हैं टिश्यूज, प्लांट्स में कौन से टिश्यूज है। प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यूज है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरे है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मीन्स विच हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, इनका काम डिवीजन का है। परमानेंट टिश्यूज whose cells do not divide, ये परमानेंट है, डिवीजन नहीं करते, स्टैटिक है, बट परफॉर्म सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन। Some specialized function, such as storage of food, ठीक है, such as giving strength to the plant, ये जो काम है ये permanent tissues कर रही है, जबकि ये जो है ये meristematic है। Meristematic further based on position, apical, intracellular एंड लेटरल, बेस्ड ऑन द पोजिशन। अगर हम देखें ये जो है दिस इज एपिकल, जो टिप पे प्रेजेंट है, जो साइड्स में प्रेजेंट है, जिसके सेल्स यहां ऐड हो रहे हैं, इसके यहां पे ऐड हो रहे हैं, गर्व है ना, ये जो है ये हाइट इंक्रीज कर रहा है, जो लेटरल है वो डायामीटर इंक्रीज करता है, सो दिस इज लेटरल। और जो इंट्रकैलरी है ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है, बट ये जो है, ये दो जो है, दिस इज इंट्रकैलरी, सो विच इज इन बिटवीन परमानेंट टिश्यूज, जो परमानेंट टिश्यूज के बीच में धसा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रकैलरी मेरिस्टम। जो परमानेंट मेरिस्टम्स है इसके कौन कौन से टाइप्स है, दीज आर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और फिर आ जाते हैं यहां से नीचे करके जाइलम एंड फ्लोएम। ये तीनों सिंपल परमानेंट है, ये तीनों, ये दो जो है जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, ये हम बताएंगे।
उसके बाद आ जाते हैं टिश्यू सिस्टम। ये सब टिश्यूज आपस में इकट्ठे होके क्या बना देते हैं, टिश्यू सिस्टम्स बना देते हैं। कौन कौन से टिश्यू सिस्टम्स हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन, उसके बाद है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड ब्रॉडली, और तीसरा आ जाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम फॉर कंडक्शन ऑफ वॉटर एंड फूड, दैट इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। उसके बाद ऑर्गन्स, ये सब टिश्यू सिस्टम मिलके प्लांट ऑर्गन्स बनाते हैं। कौन से है? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स, ये सब प्लांट ऑर्गन्स है। और उसके बाद आप ये सब मिलकर क्या बना देते हैं, प्लांट बॉडी बना। ठीक है, प्लांट सेल मैंने आपको दिखा दिया, फिर टिश्यूज बताया, टिश्यूज के बारे में पहले बात करेंगे, देन टिश्यू सिस्टम्स, देन ऑर्गन्स एंड देन प्लांट, राइट? पहले करो फिर आगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्लांट टिश्यूज। मैंने आपको बताया दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। पहले हम देखें दोनों में क्या फर्क है, ठीक है? इससे पहले हम एक और चीज करें, अभी पहले प्लांट टिश्यूज मत करना, इससे पहले हम देखें टाइप्स ऑफ सेल्स इन प्लांट। इससे पहले ध्यान से सुनो, सबसे पहले हो जाते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब है जो मैच्योर नहीं है, कुछ भी कह लो उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं, ठीक है? जैसे हम ये कहते हैं कि ये मार्केटिंग का बंदा है, ये मार्केटिंग ही करेगा और कुछ नहीं, ये सॉफ्टवेयर का बंदा है, इसने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराना, ठीक है? और एक होता है कि हेल्पर है जो, वो कोई भी, वो अनडिफरेंशिएटेड है, एक बुलाता है कि मेरी हेल्प कर दो, उसकी कर देता है, दूसरा कहता है मेरी हेल्प कर दो, इतने ये फाइल इधर ले जाओ, ये फाइल इधर ले जाओ, अब ये कर दो, अब ये, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड। कोई डिफरेंशिएटेड काम नहीं है, बस उसने किसी की भी किसी तरह से हेल्प कर दी। बट यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का क्या मतलब है, दीज आर यंग सेल्स इन वॉल्ड सेल्स हैव डेंस साइटोप्लास्ट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस लैक वैक्यूल्स, क्योंकि वैक्यूल्स का क्या काम होता है, वैक्यूल्स का काम होता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को, जो वेस्ट सब्सटेंसेस है उनको इकट्ठा करना, इसमें वेस्ट बनते ही नहीं है क्योंकि एक सेल बड़ा हुआ डिवाइड कर गया, वो यंग सेल है ना, उसने उसमें वेस्ट नहीं इकट्ठे हुए, तो इसलिए वैक्यूल्स नहीं है इसमें, so they lack vacuoles, they do not perform
any specialized function. But have the capacity to divide. तो इनका ये है undifferentiated cells, इसलिए इनका काम क्या है division का. Second आ जाते हैं differentiated cells. They grow to full size develop vacuole may form zaruri nahi hai may secrete thick wall show ya develop other modifications, which are modifications bhi hoti hai depending upon the functions. Lose the capacity to divide. Ab ye divide nahi karte. Become mature. And start performing specific function. इनको हम कहते हैं differentiated cells. तीसरा एक और है that is de-differentiated. ध्यान से सुनो. डिफरेंशिएटेड सेल्स जो अपना स्पेसिफिक काम भूलकर दोबारा से डिवीजन की कैपेसिटी गेन करे उनको कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स. मैच्योर सेल्स ध्यान से मैच्योर सेल्स व्हेन लूज देयर किसी कारण से है ना किसी इंजर्ड एरिया को हील करना है तो उन्हें डिवाइड करने की जरूरत पड़ती. मैच्योर सेल्स देन लूज देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड रीगेन कैपेसिटी टू डिवाइड. Are called as de-differentiated cells. ठीक है क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर रहा है सॉरी ये अपने स्पेसिफिक फंक्शन को लूज करके डिवीजन कर रहा है तो अपनी रिवर्सल ऑफ हम ये क्या बोलते हैं दिस इज रिवर्सल ऑफ डी डिफरेंशिएशन. रिवर्सल ऑफ दिस इज रिवर्सल ऑफ डी डिफरेंशिएशन दिस इज डी डिफरेंशिएटेड सेल्स. और इसमें जो एग्जांपल मेन है it is mainly parenchyma cells. Which de-differentiate. This is de-differentiation. Then और आ जाता है रीडिफरेंशिएटेड सेल्स.
क्या है? पेरेंकाइमा सेल्स, डी डिफरेंशिएशन, हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, फॉर्म न्यू सेल्स एंड देन देन क्या हो रहा है? देन जब इसके सेल्स बन गए देन रीडिफरेंशिएट, टू अगेन फॉर्म parenchyma. Is it okay? Redifferentiate again to form parenchyma cells. This is a redifferentiation. The type of cells in the plants, pehla hai undifferentiated cells, inko hum kehte hain primary meristematic cells. Jo cells डी डिफरेंशिएशन से बने हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स और उसके बाद री डिफरेंशिएटेड सेल्स. राइट, देखो पहले नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये क्या है? जैसे आपको बताया है कि दीज हैव इमैच्योर सेल्स और यहां पे क्या है? मैच्योर सेल्स है. They have capacity to divide only. They do not divide. But perform specific function. क्योंकि इन्होंने डिवाइड करना है therefore they are involved. Permanent tissues based on the function they can be thin or they are thick wall. Then they have sac vacuole. They lack sac vacuole or central vacuole. They have sac vacuole. मैं एस वी लिख रही हूं, आपने पूरा लिखना है sac vacuole. They have dense cytoplasm. They have less cytoplasm. क्योंकि डिवीजन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन या हम कहेंगे है हाई रेट ऑफ
रेस्पिरेशन, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई है तो जो खाना है वो जल्दी से ये फिनिश अप कर देते हैं. सो दे डू नॉट हैव स्टोर्ड फूड एंड दे हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. जबकि इनमें दे हैव कंपैरेटिवली लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दे हैव स्टोर्ड फूड, दे हैव नॉट मच प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, क्योंकि और बहुत स्ट्रक्चर्स हैं. और ये हमेशा लिविंग है, ऑलवेज लिविंग, जबकि परमानेंट टिश्यूज में दे मे हैव लिविंग सेल्स और डेड सेल्स. जैसे स्क्लेरेंकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा क्या है, डेड सेल्स है, जबकि पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा लिविंग है. जाइलम में बहुत टाइप के सेल्स है, मैक्सिमम सेल्स ऑफ द जाइलम आर डेड, वेयर एज फ्लोएम मैक्सिमम सेल्स आर लिविंग. बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स है दे आर ऑलवेज लिविंग, वेयर एज परमानेंट टिश्यूज मे हैव लिविंग और डेड सेल्स. लिखो. नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, अगर हम इसके टाइप्स देखें, सबसे पहले बेस्ड ऑन पोजीशन, ये है एपिकल. एपिकल मतलब जो टिप पे प्रेजेंट है. एपिकल मीन्स present at tip, helps in increasing length of plant. That is apical meristem. Second, मैंने बताया है intracalary meristem. एपिकल की अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स. इंट्रकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट इन बिटवीन permanent tissues, that is called as intracalary meristem. Again, increases length of plant. कहाँ पे present है? अगर आपने sugarcane देखा हो, sugarcane में ये जो गांठें सी होती है, these are nodes. और ये जो दो नोड्स के बीच में स्ट्रक्चर है, दिस इज इंटरनोड. तो वेयर इंट्रकैलरी मेरिस्टम इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट बिलो एंड अबव द नोड्स, राइट. सो एग्जांपल है बिलो एंड अबव द नोड्स in stem of grasses. Sugarcane is a type of grasses. और उसके बाद थर्ड आ जाता है नेचुरल मेरिस्टम.
Lateral meristem is a cylindrical meristem. It is a cylindrical meristem. इस तरह से है ना, ये अगर स्टेम है बाहर तो इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल मेरिस्टम इंक्रीजेस डायमीटर और विड्थ ऑफ प्लांट, इंक्रीजेस डायमीटर और विड्थ ऑफ द प्लांट. एग्जाम्पल आ जाता है दैट इज केम्बियम. डिफरेंट टाइप के केम्बियम दे आर लेटरल मेरिस्टेम. नेक्स्ट आ जाता है बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिन. दो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, दीज आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ध्यान से सुनो बेन, जो एम्ब्रियो से ही मेरिस्टेमेटिक है, जो बर्थ से ही मेरिस्टेमेटिक है, दे आर प्राइमरी मेरिस्टेम. विच आर मेरिस्टेमेटिक फ्रॉम ओरिजिन. ये कभी भी डिफरेंशिएट नहीं हुए, ये हमेशा मेरिस्टेमेटिक ही रही है. फॉर एग्जाम्पल रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स दे आर प्राइमरी मेरिस्टेम्स. और इसके साथ जब हम करेंगे अभी यहाँ पे लिख दो, it is intrafascicular cambium. Of diapod stem. सिर्फ ये cambium है जो primary है, lateral भी है और primary भी है, जबकि secondary which arise by dedifferentiation of permanent tissues. They are called as, you know, secondary meristems. Example hai. वेस्कुलर केंद्रिया और केंद्रियम बुंद केंद्रियम एक्सेट्रा. सो दीज आर बेस्ड ऑन द ओरिजिन. ठीक है बेटा, तो दो टाइप के बेस्ड ऑन पोजीशन as well as based on origin. ठीक, लिखो. अब यहां पे बेटा एक पॉइंट स्टार डाल के लिख लो कि इंट्राफेसिकुलर केम्बियम इज द ओनली लेटरल केम्बियम. इंट्राफेसिकुलर केम्बियम इज द ओनली लेटरल केम्बियम which is primary in origin, which is primary in origin. All other lateral cambium are secondary in origin, are secondary in origin. ठीक है जी,
नेक्स्ट हम एक और बात करते हैं, जैसे ये बेटा शूट एक ठीक है, जिससे शूट एक ये ग्रो करके ये स्टेम, मतलब पहले शूट एपेक्स की, इसने सेल्स को डिवाइड किया, नीचे वाले सेल्स डिफरेंशिएट करके ये अभी भी एपेक्स है, फिर इस तरह से है, बट एपेक्स के कुछ सेल्स बच गए, दे फॉर्म एक्सिलरी बड्स। एक्सिलरी बर्ड्स है, बर्ड्स भी मेरिस्टेमेटिक है बेटा। एपिकल बर्ड्स क्या है? एपिकल बर्ड्स आर द रिमेन्स ऑफ द, सॉरी एपिकल बर्ड्स नहीं, आई एम सॉरी, एक्सिलरी बर्ड्स आर द रिमेन्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टम विच आर लेफ्ट बिहाइंड। एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स को डिफरेंशिएट करके, जो नए सेल्स बने थे वो डिफरेंशिएट करके, बट कुछ सेल्स अभी भी डिवाइडिंग है, उन्होंने बनाई एक्सिलरी बर्ड्स, और फिर एक्सिलरी बर्ड्स जो है ये फिर क्या बना देती है, दे आइदर फॉर्म ब्रांचेस और लीव्स, ठीक है, या तो ये ब्रांचेस बनाएगी या सीधा लीव्स बना देगी, सो दीज आर एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। तो लिखो जरा जल्दी से, रूट एपिकल मेरिस्टम या रूट एपेक्स, रूट एपेक्स इज द एपिकल मेरिस्टम विच इज सब टर्मिनल इन पोजिशन, विच इज सब टर्मिनल, टर्मिनल मीन्स बिल्कुल टिप पे है, बट दिस इज सब टर्मिनल इन पोजिशन as it is covered by root cap, as it is covered by root cap at the tip, root apex is the apical meristem which is subterminal in position. As it is covered by root cap. Next है shoot apex. Shoot apex is present at terminal position. Shoot apex is present at terminal position. Its cells divides and form stem as well as leaves. Full stop. Some cells left by shoot apex. Some cells left behind by shoot apex form axillary buds. So axillary buds kya hai? These are the meristematic cells left behind by shoot apex. These axillary buds form branch
form branch or the flower. Form branch or the flower and is present in the axil of the leaves and is present in the axil of the leaves. ठीक है जी. Next हम आ जाते हैं बेटा. Mam and present at? Present in the axil of the leaves. And they form यहाँ पे है. They may be present in the axil of the leaves or they may form from branch or they may form flower. या तो leaves की axil में present होंगी या वो branches बनाएंगी या फिर flower बनाएंगी. This is flower. Next है structure of root apex. Structure of root apex was proposed by Helstein as histogen concept, histogen theory. उसके बेसिस पे हेल्स्टीन ने प्रपोज किया था. वेयर एज स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपेक्स वॉज प्रपोज्ड बाय श्मिट. As tunica corpus. ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं. Root apex. Let us see. The meristematic region has three zones. This is dermatogen. ये सब cells dividing है. This is dermatogen. Then excuse me. This is multi-cell, बहुत सारे cells हैं इसमें. ये सब meristematic cells हैं. ये आ जाता है periblum. This is periblum. ये सब histogens हैं, zones हैं. यहाँ पे बेटा एक छोटे छोटे सेल्स का जोन है.
दिस इज कॉल्ड एज क्विसेंट सेंटर. ये मैं अभी बताऊंगी क्या. दिस इज क्विसेंट सेंटर. और तीन जोन्स, ये क्विसेंट सेंटर अलग है, तीन मेरिस्टेमेटिक जोन्स है, डर्मेटोजन, पेरिब्लम. ये सारा पेरिब्लम है. और ये बीच में ये जो बड़े बड़े सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज प्लीरोम. दिस इज सेंटर में. आप थोड़ा सा अलग पेन से बना लोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर लग रहा है. तो हिस्टोजन कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखो कि रूट एपेक्स हैज थ्री जोन्स. डर्मेटोजन, पेरिब्लम, प्लीरोम. Dermatogen, its cells divide and form epidermis. Periblum, its cells divide and form ground tissue system. Cells of pleurum divide to form vascular tissue system. ये तीन. अब आ जाते क्विसेंट सेंटर. ये जो है इट्स सेल्स आर रेस्टिंग सेल्स. विच डू नॉट डिवाइड. पड़े क्यों है, डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो इनका क्या काम है यहाँ पे. बट काम इंपॉर्टेंट है. दीज आर कॉल्ड एज रिजर्व सेल्स. दीज आर कॉल्ड एज रिजर्व सेल्स विच डिवाइड. डिवाइड करते हैं. विच डिवाइड व्हेन रूट एपेक्स गेट्स इंजर्ड. यहां से कहीं से इंजरी होगी, यहां से इंजरी होगी, तो सेल्स ऑफ क्विसेंट सेंटर जो है वो जल्दी से डिवाइड करके रूट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. ठीक है, बनाओ. डर्मेटोजन को प्रोटोडर्म भी कहते हैं. डर्मेटोजन और प्रोटोडर्म. एक ही बात बनाओ जल्दी. देखो बेटा, शू पेपर ना बहुत यंग लीव्स होते हैं जो शूट एपेक्स को कवर करके रखते हैं, क्योंकि जैसे रूट कैप है, यहाँ पे रूट कैप नहीं है, राइट. यहाँ पे दिस इज शूट एपेक्स. शूट एपेक्स में बेटा जो आउटर लेयर है, दिस इज ट्यूनिका, जनरली सिंगल लेयर. और इसके बाद जो अंदर है, दिस इज होल कॉर्पस. वहां पे तीन जोन थे, यहां पे दो ही जोन्स है, आउटर ट्यूनिका
inner corpus. ठीक है, these are leaf primordia. Tunica corpus. ये दोनों क्या है? Shoot apex या shoot apical meristem. उसके बाद नीचे आ रहा है और यहां पे क्या है? This is axillary bud. और यहां पे जो भी है, that is leaf या flower, whatever. This is axillary bud. ये जो है the shoot apex, it is formed of two zones, outer tunica inner corpus. Tunica forms epidermal tissue system. Corpus forms ground tissue system and vascular tissue system. Is that right? ठीक है जी. And another is shoot apex. It is protected by leaf primordia. ठीक है जी. So this is shooting. ये कर लो. आज हम यहीं तक करेंगे. Next time जो है हम आगे का करेंगे.